स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर एक, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहाँ इलीगल बिल्डिंग बनती है वहाँ बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके से बीते दिनों जो खबर सामने आई उसने सबको झकझोर कर रख दिया था। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने के बाद 3 छात्रों की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने देश की संसद में इस मुद्दे को उठाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये एक दर्दनाक घटना है, योजना बनाना और एनओसी देना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। साथ ही अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन की बात भी उठाई है। घटना हुई है, दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहाँ इलीगल बिल्डिंग बनती है वहाँ बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? तो अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सरकार इस मामले में बुलडोजर एक्शन लेगी या नहीं। वहीं अखिलेश यादव ने एक लेटर भी जारी किया है। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे गए इस लेटर में लिखा गया है, महोदय, शून्यकाल में मैंने नई दिल्ली में हुई दुर्घटना के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए उल्लेख किया था कि पुराने राजेंद्र नगर में चल रहे राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुई दर्दनाक घटना में 3 प्रतियोगी छात्रों की मौत ने जनमानस को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना से अन्य प्रतियोगी छात्रों के मन में भय व्याप्त हो गया है तथा उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। आपसे अनुरोध है कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि मृतक छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाए। साथ ही इस घटना की जिम्मेदारी तय कर सरकार अविलंब कठोर कार्रवाई करे। बता दें कि बीते शनिवार यानी 27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में तेजी से पानी भरने के कारण 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। बेसमेंट में करीब 12 फीट तक पानी भर गया था। इस हादसे में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली श्रेया यादव की भी मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।